गाइस गिनेस के टायर कितने हैं? ये वाली लेके चलोगे? वो कौन लेके आएगा? बेहतरीन मौसम के साथ कंटिन्यू चल रही, कितना मॉडिफाई किया आपने? बिल्कुल पहचान नहीं होता भाई। 60 में हम चल रहे हैं और छोटी सी गाड़ी देखो कितनी स्पीड में चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। किधर जा रहे? बैंगलोर भाई, एक्सप्रेस में भी टनल आ गया। वो आगे पिकअप पलट गई, पता नहीं यार। फिर से रिश्वत जाओ, थोड़ी देर के आओ, फिर हम चलती गाड़ी पे खाना बनने का ये नुकसान है। जब सुबह की शुरुआत हो रही है भाई डीजल डालने से, यहाँ पे हम डाल रहे हैं डीजल। अभी हम पहुँच गए कर्नाटका, इंटर किया था, यहाँ पे डालते हैं डीजल। यहाँ सस्ता हम उतने डालेंगे तो गाड़ी हमारी खाली हो जाए, उसके बाद बाकी करेंगे डीजल फुल। और यहाँ पे डीजल का प्राइस है भाई 88। चल निकलते हैं यहाँ, भाई लोग काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। बोरे ये कौन है मेरे पास? तुमसे वाला जी का फोटो है। कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई सबसे पहले एक चीज के लिए सॉरी कि आप बोलेंगे सुबह मूवमेंट होते हो, मतलब बस आंखों में नींद, ब्लॉग स्टार्ट करते हो। देखो जब कच्चे माल में गाड़ी चल रही होती है टाइम ही नहीं मिलता, देखो कहीं ढाबे में रुकेंगे या मुंह धोने रुकेंगे, चाय पियो, मानो आधा घंटा टूट जाएगा। तो आधे घंटे में गाड़ी चलेगी कम से कम 25 किलोमीटर, तो फिर रुकने का मतलब नहीं है। तो आगे से आ रहे हैं अपने दिलावर भाई, तो मैं भी निकल गया। यहाँ पे डाला हमने, जैसे हमने देखा डीजल, क्योंकि यहाँ डीजल का रेट थोड़ा कम है तो उतना ही डाला जितना गाड़ी हमारी खाली हो जाए। बाकी डालेंगे हम गाड़ी खाली करने के बाद, पंप से लोड करेंगे। चलते हैं पहले मिलते हैं दिलावर भाई से, गौरव को उठा कर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आने वाली है आरटीओ की चेक पोस्ट। गाइस गिनेस के टायर कितने? एक साइड का आपको दिख रहे होंगे ना, एक साइड के नहीं दिख रहे, थोड़ा आपको मैं आगे में दिखाता हूँ। आगे तो 10 है, बाकी पीछे वाले आपने देख लिया। तो टोटल गिनिए बताना इसमें कितने टायर हुए, और उन्होंने जाम लगा दिया काफ़ी है ना, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ। चलो यार आगे भाई, ये दिलावर भाई की गाड़ी बाहर, ये भाई भी आए, चले जाए भी ना। अरे बड़े बड़े कितने टायर, सोने की जगह मस्त है, यहाँ पे सो जाओ चलती गाड़ी में भी। पहुँच गए दिलावर भाई के पास, आगे भाई भाई के पास। आप जल्दी पहुँच गए यार, वो खड़ी पार गाड़ी है। तो यहाँ पी रहे सब भाई हम चाय, दूसरी बार चाय आ गई है क्योंकि मौसम यहाँ सही है ना, चाय पीते जा रहे हैं। और दिलावर भाई ने भी चैनल स्टार्ट किया है, मैंने पहला स्टार्ट किया तो उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, वो नया फिर से शुरू हो रहा है। उसका नाम बताएंगे वापस जब बनता है, तो लिंक डाल देंगे। तो भाई के तगड़े आएंगी वीडियो भाई, 100-120 वाली मंडी, सुपर फास्ट मंडी, और हम बेचारे आराम आराम वाली मंडी। अब यहाँ से गौरव बैठेगा भाई के कैंटर पे, थोड़ी रील्स उठाएगा अच्छे से अपनी गाड़ी, एजेंडा लगा के मस्त दिख रही है ना। तो ये दिलावर भाई की गाड़ी, चलते हैं भाई की गाड़ी के पास। क्या मस्त भाई ने गाड़ी से जाके रखी है देखो। और भाई ये गाड़ी में टॉप स्पीड मतलब 120 तक चलती है, क्योंकि सुपर मंडी करवाने वाली गाड़ी है भाई, सुपर फास्ट मिर्ची नींबू, क्योंकि उस पर गाड़ी आपको 100-120 भगानी पड़ती है अपनी। बिल्कुल सिंपल है, अभी सोच रहा हूँ ये चोटियाँ वगैरह लगाऊंगा ना, पहले एक टायर डाल के उसके बाद देखो पीछे से ऐसी होनी चाहिए गाड़ी, बड़ी बड़ी मतलब। आप बताओ देखो क्या प्यारी गाड़ी, यहाँ से वो अपनी गाड़ी पार, वो ये भी 22 फीट है, ये भी 22 फीट है, वो इस पे बाड़े में थोड़ा ही फर्क है भाई। तो आजकल मतलब इससे ज़्यादा वो कमा रही गाड़ी। अभी खिंचा रहे हम पे फोटो, और भाई ने गाड़ी पूरी सजा के रखी हुई है। बीबी भाई का भी चैनल है, वो भी लिंक आपको दे देंगे। अभी अभी खोला, अभी क्रिएट करके इन हाथों से चैनल क्रिएट किया हमने, और देखते हैं कितना आगे जाते हैं। भाई ने चैनल पहले बनाया तो वो किसी इश्यू से थोड़ा डिलीट हो गया, फिर से नया बना के पूरा हमने सेटिंग कर दी है। हमारे साथ भी खिंचवा लो यार, भाग रहे हो अकेले अकेले, कहते भाई के साथ ही फोटो, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। पहुंच गए गाड़ी में, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे केले होते थे, आज पहली बार संतरे देखने को मिल रहे। संजीव भाई अंदर कर रहे हैं रेस्ट, अब निकलेंगे यहाँ से, और झंडे तो लगा दिए थे कितने मस्त लग रहे हैं। अब अजिता दुर्गा भाई, बाकी हम स्टोरी डालेंगे अपने चैनल पर, तो जल्दी जल्दी भाई को सब्सक्राइब करो यार, भाई के भी कल ज़्यादा बड़ा भी मांग रहे, पहले 1000 तो दुर्गा कम से कम चैनल पॉइंट आई तो हो जाए। वीडियो मस्त आएगी भाई, 100-120 वाली मंडी वाली, सुपर मंडी वाली, सुपर मंडी। चलो ठीक है, तो ठीक है निकलते हैं, अभी निकलते हैं। ये वाली लेके चलोगे? वो कौन लेके आएगा आगे वाली? फिर अभी बनवाया नहीं है, ये लेके जाएंगे बड़े स्टार। तो बस चेक कर रहे हैं बैठ के, यहाँ से निकलेंगे अब आगे। पीछे भी संतरे लगाए हुए मैंने, दिलावर भाई भी निकल गए, बीबी किंग वो भी जा रहे हैं अपने सफर के लिए। अब इनके हैं ना कनेक्टर, आप चलो उस गाड़ी में, फिर संतरे खाते खाते मैं चलता हूँ भाई के साथ, क्योंकि अपनी गाड़ी के मुझे काफ़ी सारी रील शूट करनी है। चलते हैं भाई के कैंटर में, क्योंकि अपने पास ना वीडियो काफ़ी कम बची अपनी गाड़ी की, यहाँ से मस्त रील शूट करूँगा। निकल पड़े अभी यहाँ से, तो गौरव आ गया, ये आ गया भाई कैंटर अपना, गौरव कर रहा है रील शूट वहाँ से। तो भाई जिन भाई ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अनुज ब्लॉग्स करके आप फॉलो कर लो, वहाँ पे रील्स मिलेंगी।
गाड़ी की, दोनों गाड़ियों में संतरा लोड है, वो जा रही है आपको बैंगलोर जाना है ना, वो जा रही है भाई की गाड़ी बैंगलोर, तो अपनी गाड़ी चित्रदुर्गा। चल रहे यहाँ से कंटिन्यू, और मैंने अपनी गाड़ी की अच्छी खासी रीले भी शूट कर ली, वो देखना चाहते लिंक ना डिस्क्रिप्शन जाओ, इंस्टाग्राम में मस्त देखो, मस्त एडिट होके आएंगी। और मौसम की बात की जाए ना यार, जब मैं मौसम बात करता हूँ मेरा फेवरेट होता है ना, धूप ना बारिश, जस्ट बीच वाला यार, क्या ठंडा मौसम है। सुबह गर्मी थी बट अभी मौसम ठीक हो गया, ऊपर जाड़ आ गया ना पूरा, उस वजह से मौसम मस्त हो गया। एक तो मौसम ऐसा, दूसरा बीच में फूल फूल लगाए हुए, ये सब मिलके ना एक अलग ही फील देते। बेहतरीन मौसम के साथ कंटिन्यू चल रही और अपनी गाड़ी चलेगी आगे, और झंडे वगैरह इसके अलग ही लुक लगती है। ये भाई जा रहा है लंबी सी, ये लोड करके जहाज टाइप, इनका बड़ा तगड़ा जाम लगता है खासकर स्पीड ब्रेकों में जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना। बट ये भी नहीं कि हम इनको गलत कह रहे हैं, ये गलत नहीं है, क्योंकि इनको तो ले जाना इतनी बड़ी गाड़ी है, जैसे कि ट्रैक्टर आ गया, इनका माल भी इस तरफ से काफ़ी बाहर है, इसको सेंटर में रख के चलना, ये रोड ही बंद होगी तो वो भी बीच में चलेगा, और स्पीड कम है उस वजह से हमें भी इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, टाइम टूटता है। हाँ ये भी अपनी जगह ठीक है, क्या करेंगे, मस्त से मौसम के साथ चल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को ना ओवरटेक करना भी भाई दिक्कत है, देखना कितनी, ये पहले जो मिले थे ना बड़े बड़े ट्राले से, मशीनें कुछ जा रही, ओ भाई वापस इधर आ गया है, आगे से गाड़ी आ रही रॉन्ग साइड ना, उसको भी इधर आना पड़ रहा है, जिसके में बहुत होगा टायर कितने इस पर, वापस दे दिया इंडिकेटर, करते हैं ओवरटेक। गौरव आगे निकल गया और दूसरे को कैंटर में बैठा वो आगे चला गया। टोल क्रॉस के यहाँ पे रुक गए क्योंकि बाइक ना गाँव की गाड़ी थी टोल के पीछे रुकी हुई थी, फिर बाइक गए उनको देखने के लिए आ गई अपनी गाड़ी भी, मस्त परांदे लगा के अभी लगाने, पीछे परांदे लगाने, उधर ऊपर भी लगाने, काफ़ी डेकोरेशन करनी है, बजट नहीं है अपना, धीरे धीरे करेंगे। बाइक गाँव की गाड़ी थी ना वो कुछ ख़राब हुई है तो अभी रुकना बनता है यार अपना। बज गया अभी 11 और वो गाड़ी के लिए तेल डालने तो हम रुके हुए थे उस गाड़ी के लिए, अब तो रोड पर ट्रैफिक भी बढ़ गया है, 300 किलोमीटर अपना सफर रह गया है। दोपहर का टाइम और धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम ठीक है, दोनों गाड़ी रुकी यहाँ पे खाना खाने के लिए, चलो ट्रैक्टर के पास चलते, फुल मॉडिफाई केरला KA28 भाई, इतना मॉडिफाई कराया, इतना कराया ना, पास चले, कितना मॉडिफाई किया आपने पूरा, पूरे में सबसे बेहतर चीज ये लगी, सबसे अलग लुक है इसकी, साउंड सिस्टम पूरा, लाइटिंग भी होगी ना, छाता भी दूसरा है इसका, पूरा घर वाला बोर्ड लगाया, इलेक्ट्रिक बोर्ड पूरा, पीछे हाल है पता नहीं क्या पीछे से, कोई यूं शौक का कोई मूल्य नहीं है, शौक शौक है, ये पीछे जो हाल है इसको क्या बोलते हैं, हाल ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत अलग किस्म की है थोड़ी, हमारे वहाँ छोटी छोटी होती है ना, पूरी डेकोरेशन आगे, अभी अभी भी भाई कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, इतना कुछ लगा हुआ फिर भी कुछ ना कुछ और लगा रहे हैं, अब इनसे परांदे में यहाँ से देखने में लगता ही नहीं है ट्रैक्टर है बिल्कुल, पहचानने नहीं होता। चलो आप चलो खाना खाओ फिर हम भी खाएंगे निकलेंगे, और भैया सब बढ़िया चल रहा है काम, चलो हम खाते खाना फिर आते वापस, खाना खा लेते ना फिर भाई से पूछते हैं, मतलब पूछेंगे क्या, थोड़ी बहुत अपनी बातें करेंगे और क्या। खाना पीना हो गया, अब यहाँ से हम चलने लगे, तीन सौ 6-7 घंटे लगेंगे, कंटिन्यू चल रहे और कर रहे मासी नदी क्रॉस, कितनी बड़ी नदी है, नदी का नाम तो नहीं पता फिलहाल बट काफी बड़ी नदी, भाई 60 में हम चल रहे हैं और छोटी सी गाड़ी देखो कितनी स्पीड में चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई अब ओ वाह, सामान यहाँ डालने की जगह सही यार, मैं बोलता है सामान डाल के टेम्परेरी वेल्डिंग किया हुआ है, टेम्परेरी किया नहीं तो वो बीच वाला एंगल बाहर ही नहीं आ सकता, ये सही है, यहाँ का मौसम काफी प्यारा है यार,
बाकी कई बार बोर्ड आता है उसमें तमिल में लिखा तो वो हमें समझ नहीं आता कि भाई क्या लिखा है। ये ब्रेक ले रहा है और ये पूरा डाउन है, मतलब इस रोड में चलने का अलग ही फील है यार। नदियां यहाँ पे पूरी ना साफ पानी से भर रखी है, मतलब साफ पानी, तब यहाँ पे खेती हो रही है, गन्ने की खेती हो रही है, मक्की और भी काफी फसलें यहाँ पे हो रही है, पीछे प्याज भी था। ये ट्राला यार है, इस ट्राले को हम ओवरटेक कर सकते हैं, हमारे पास अब बहुत टाइम है, शायद वहाँ पे नो एंट्री का मसला भी है तो वहाँ जाकर रुकना पड़ेगा, बारिश आई इधर पार डालना पड़ेगा। किधर जा रहे? बैंगलोर। ठीक है भाई, क्या बोल रहे? हम जा रहे चित्रदुर्गा। हाँ थैंक यू भाई। टोल प्लाजा बैलेंस चेक करने वाला कितना रह गया, मतलब लाइलिस्ट हो गया, काफी देर से कटवा रहे हैं, चेक ही नहीं किया। यहाँ पर ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें बहुत सारी देखने को मिल रही है, देखो ये भी है, ये तो मैंने पहले भी ओवरटेक किया ना, ये थोड़ा थोड़ा सफर निकालते हैं गाइस। यहाँ पे भी हल्के हल्के ना पहाड़ आ गए, पर ये अलग डिजाइन के पहाड़ है, पूरा डिजाइन बना हुआ, देखो कट के लगाए पत्थर किसी ने, शायद आगे भी जंगल आने वाला है क्योंकि पहाड़ अब ना एक बार शुरू हो गए, वो आगे क्लोज होते जा रहे हैं, अब नारियल के पेड़ भी स्टार्ट हो गए, वो आ गए सामने ना, ये देखो इधर आज बारिश के मौसम की वजह से आज अलग सा मौसम बन रखा पूरा ना, देखते हैं अभी आते नहीं आता आगे ना, ब्रिज और नदी और हॉस्पिटल रह गया 20 किलोमीटर, चित्रदुर्गा 150 किलोमीटर, हॉस्पिटल घर भी काफी प्यारे प्यारे, डबल डबल नीचे दुकानें है, ऊपर घर। यहाँ पे ना गेहूँ, शायद गेहूँ ही है ये, रोड पे डालना सुखाने के लिए, और टोल एक और कर दिया, यहाँ पास में टोल थे दो, अभी हमने रोड चेंज की ना तो थोड़ा डाइवर्शन खराब आ रहा, वापस आ जाएगी सीधी एक्सप्रेस वे ना भाई। अमरूद भी यहाँ पे काफी है, रेडी है, लगी है अमरूद काफी, कितनी प्यारी सी नदी है ना, बार मस्जिद है शायद से, और पुल का कलर भी कुछ अलग ही है, अजीब सा पुल है भाई, एक्सप्रेस में भी टनल आ गया। ओ यार अब पता नहीं सड़क का क्या नाम है, हम कौन सी जगह पे हैं, पर ये अभी हॉस्पिटल बाईपास खत्म किया हमने, ये प्यारा सा टनल है भाई, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब टनल पहले भी देखा होगा, अगर आया हूँ मैं यहाँ पे आया ही हूँ, पर देखो सिक्स लाइन का टनल, तीन रोड एक साथ, वो भाई क्या नदी है, समुंदर है, समुद्र का किनारा मतलब वाला हॉस्पिटल के आगे आगे ना पूरा नहीं, जो समुद्र था घाट सा आ गया कुछ, ये जगह पे ना सिर्फ पेड़ लगाए होते हैं, यहाँ पे तो कितनी खूबसूरती है रोड पे यार, कितना मजा आ रहा है, ये येलो कलर के फूल के बाद ये पिंक कलर के, रेड कलर के, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है यहाँ पे, हाँ यहाँ खत्म हो गए, कई जगह पे लगाए ऐसे होने चाहिए, रोड भी कितनी प्यारी लगती है, और अभी ये ना फॉरेस्ट एरिया चल रहा है थोड़ा, देखो कई जगह इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं यहाँ पे, लाल गुलाबी अभी लगाए फूल, मतलब ना छोटे छोटे हैं अभी, कहीं कहीं जगह पे लगाए यार, मतलब ज्यादा ना फ्लाई ओवर के ऊपर लगाए हुए हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे लाइट भी लगती है तो काफी प्यारे लगते हैं, इसलिए तो हमारा अभी चित्रदुर्गा रह गया 80 किलोमीटर, और रेड येलो काफी कलर्स के यहाँ पे, और बेंगलुरु रह गया 393 किलोमीटर, चित्रदुर्गा 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मतलब 50-60 किलोमीटर पार करते फिर रुकेंगे कहीं पे, फिर पूछेंगे नो एंट्री तो नहीं है वहाँ पे अच्छे से ना, फिर जाएंगे तो वहाँ रुके फिर लेट जाएंगे अंदर।
यहाँ पे लिया एक स्टॉप, टायर वगैरह चेक किए, 80 किलोमीटर से कम 75 बचा होगा। संतरे ये तो पक गए, वो आगे पिकअप पलट गई, पता नहीं यार सीधी रोड में यहाँ से बाहर निकली है ना, ये निशान लगे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसको यार, इसकी सेम वाली वो खड़ी है, नहीं टायर निकल गया यार, टायर निकल गया गाड़ी का, चलती गाड़ी का भाई इस साइड का टायर निकल गया और गाड़ी की सीट भी फटी हो गई। मतलब ठीक है, अभी ना जहाँ जगह प्लान है ज़्यादा डैमेज हुई, धीरे से रोड से नीचे गिर गई, कई बार होता है यार किस्मत ख़राब हो तो भाई नई नई गाड़ी का भी टायर निकल जाता है। यहाँ पे देखो ये विंड मिल भी बोलते हैं, विंड टर्बाइन भी इसको बोलते हैं, कितनी सारी यहाँ पे इसे बिजली तैयार होती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कामयाब नहीं है, वहाँ पे हवाएं नहीं चलती, यहाँ पे समुंदर पास में है ना तो समुंदर की हवाएं चलती हैं, तो मतलब पूरी उस तरफ ही हैं, देखो ना कितनी सारी हैं। फिर से हरीशवास जाओ थोड़ी देर के, फिर हम चलते हैं आगे, चले गए भैया वो पार्क खड़ी है गाड़ी, वो पहुँच के बिलारो के पास देते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। चलती गाड़ी पे खाना बनने का ये नुकसान है, जब यहाँ से गोरव कोई बर्तन धोता है ना तो ऑयल वगैरह में शायद पूरी बॉडी पे गिर गया, यहाँ से पूरी गंदी हो गई है। चलो खाली करके देखते हैं, वॉश करवाएंगे, बस हम जाओ उस तरफ रहे, हमने गाड़ी रॉन्ग साइड से लगाई है, यहाँ पे था पंजाबी ढाबा, तो हमने सोचा गाड़ी लगाते हैं अपने पंजाबी ढाबे में, अब नाम लिखा हुआ भाई पंजाबी ढाबा, पता नहीं कि पंजाब वालों का या कोई और है, वो मेवाती ढाबा था, तो हम आगे इधर कुछ गाड़ियाँ घुमा के आ रहे हैं, यहाँ पे लगाई हैं क्योंकि हमें जाना है अब अंदर। हमने उनसे बात की जिनका माल हो, कह रहे 9-10 बजे आना, 10 बजे यहाँ से निकलेंगे अंदर। यहाँ पे अभी अंधेरा है ना, अपने घर में पूरा अंधेरा हो गया, यहाँ पे देखो अभी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, अपने घर में पूरा हो गया, वो ढाबे में लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं, हमने भी गाड़ी में धूप वगैरह कर दिया, जो कपड़ा बंद करा उसकी कालक लगी, तो खाली करके वॉश करके बैठते हैं हम गाड़ी में, तकरीबन अभी देखो 6:30 हो रहे हैं, 7-8-9 बजे खाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से, 9-9:30 तक। अभी बच गए भाई रात के 8, तो हमें उन्होंने बोला था 9-9:30 बजे आना, तो अभी लग रही है भूख, गौरव को लगी है, संजीव भाई को आई थिंक भूख लगी है, क्योंकि हमने खाना खाया 10-11 बजे है ना, दिन के 10 बजे और खाए थे चावल, अभी खाएंगे रोटी दोपहर के 10 बजे, चले ना करो तो ढाबे में अभी चाय पी थी, हमने पैसे भी नहीं दिए, तो वो भी देख रहे होंगे मत ऐसे चले ना जाएं। तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, मतलब हवा चलती रहती है ना समुंदर के पास में ये जगह, तो ऐसा लगता है आपको बारिश कभी आ सकती है, तो हमें 2 तिरपाल तो डाले, बट साइड से उन्होंने खुद बोलते कि संतरे को हवा लेनी चाहिए, अगर हम पूरा बंद कर देंगे पसीना आएगा तो माल खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो खोल के रखा, पर डर ये है कि अचानक से बारिश आके 1 तिरपाल और डालना पड़ेगा, क्योंकि माल खराब भी उन्होंने देना ना। अभी 7:51 हो गए, 9 मिनट का 8 बजने को, चलते पहले खाना वगैरह खा के आते हैं, देखते हैं यहाँ पे होटल में क्या ही मिलेगा। बढ़िया होटल है, नाम यहाँ पे लिखा पंजाबी ढाबा, बट पंजाबी बंदा को मिला ही नहीं, शायद पहले कोई पंजाब का बंदा होगा तो वो छोड़ गया ढाबा, अब यहाँ के बंदे लोकल संभाल रहे हैं, खाना खा के आते हैं फिर निकलेंगे धीरे धीरे। चलो भाई करो व्लॉग, राइट पैसे ले लो पहले, मेरे पास पैसे नहीं है, संजीव भाई से पैसे लो, डरें वॉलेट में है ही नहीं इतने, कितने पैसे चाहिए ऑनलाइन हो गए आ गया अपना खाना, चना मसाला और सेवा जी, यहाँ पे सेवा जी ताज़ी होती है इसलिए वही मंगवाई, रोटी खाते हैं खाना पहले। अभी बच गए 9:08 और हम चल पड़े अंदर की तरफ, अपना है टोटल 19 किलोमीटर, 20-25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो भाई ने बोला अगर अभी आ जाओगे जिनका माल है हम गाड़ी लगवा देंगे, पता नहीं खाली करने के लगाएंगे या कहीं ठिकाने में लगाएंगे, तो मैं पहुंच जाते हैं, अगर वो लगाएंगे फिर उनकी गारंटी होगी ना, अगर ऐसे रोड पर खड़ी करनी पड़ी फिर रात को भी टेंशन रहेगी थोड़ी, लगा दी लोकेशन, अब हमेशा मतलब लोकेशन के भी डिपेंड रहना चाहिए, और गली में घुसा जाती है देख के गाड़ी सीटी में घुसानी चाहिए, और तारें वगैरह होती हैं बड़ी गाड़ी की जगह नहीं होती तो ये बता देती है, पूछ लेना चाहिए सब। बस चित्रदुर्ग आप सिटी में एंटर कर ही दिया, मतलब वो बेंगलोर वाला लेफ्ट वाला रास्ता को छोड़ दिया, आगे आगे जाएंगे एक्सप्रेस और आएगी पुणे वाली, शायद पुणे बेंगलोर वाली, उसके नीचे से निकल के राइट लेना है, टोटल 6.3 किलोमीटर टोटल रह गया और 3 किलोमीटर राइट लेना है, 1-2 ही काटे हैं, क्योंकि भाई बोल रहे हैं गाड़ी टाइम से 10 बजे से पहले पहुँच के तो मैं लगवा दूंगा गाड़ी, शायद शेड पर लगवा दें कहीं जा गेट से अंदर, तो मैं थोड़ा खींच के रखी है, खींच के क्या रखी है 60 पे चल रहा हूँ, पूरा डाउन है यहाँ से देखो पूरी उतराई पहुँच के भाई फाइनली अपनी गाड़ी मंडी में, मतलब मंडी नहीं थी एक दुकान का ही माल है समझो, तो यहाँ से अंदर है, यहाँ से रिवर्स चढ़ती नहीं थी, फिर आगे से घुमा के यहाँ लगाई, वो पीछे दुकान है, अब जो भी होगा सुबह ही होगा। चलो एक कैमरे के सामने गाड़ी लग गई, जहाँ इन्होंने लगवानी थी लग गई सेफ, हम होते हम यहाँ लगाते, यहाँ लगाते हमें समझ भी नहीं आती इनकी दुकान ये है, यहाँ पीछे रास्ता उन्होंने खाली छोड़ दिया। तो मिलते हैं भाई एक अनदर ब्लॉग पर, आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, अभी शायद एक दो दिन रुकना पड़ेगा माल के लिए, ओह क्योंकि माल यहाँ से कम निकल रहा है, देखते हैं।